नमस्कार। बच्चे जब जरूर से ज्यादा लंबे हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा छुपने लग जाते हैं। ये मेरा एक पौधा भी है तेरे पीछे, अम्ब्रेला पाम का, जो जरूर से ज्यादा लंबा होता जा रहा है, लेकिन वो छुप रहा है। क्यों छुप रहा है? क्योंकि जो ये मैंने शेल्फ्स लगाए थे, ये इनके ऊपर जा रहा है। अब ये अपनी लंबाई को भी एंजॉय करे, लेकिन मेरे ये शेल्फ्स भी दिखाई देते रहे बहुत अच्छे से आपको, तो इसके लिए क्या करे? एक ट्रिक है मेरे पास, जब मैं इसको उठा करके एक नए तरीके से नई जगह पे लगाऊंगी, तो ये अपनी लंबाई को भी एंजॉय करेगा और बहुत अच्छा लगेगा। क्या ट्रिक है, आइए देखते हैं अमलान बाग में। ये थोड़ी सी देर अपने साथियों के साथ और रह ले, इसलिए एक बात मैं शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। 5th और 6th जून यानी सैटरडे एंड संडे को जो बेसिक गार्डनिंग का वर्कशॉप हो रहा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में है। दोनों पार्ट मिलकर के कंप्लीट कोर्स बनाते हैं, तो अगर आप एक पार्ट करते हैं तो आधी किताब पढ़ते हैं, आधी छूट जाती है। इसीलिए जब भी बुक करें, दोनों अगर करते हैं, तो आपको पूरा नॉलेज होता है। बुकिंग से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस लिंक से आप जाएंगे तो वो इनसाइडर पे ले जाएगा। इनसाइडर पे ही टिकट्स बुक होती हैं, वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है बीच में, तो आप डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अम्ब्रेला पाम पर। हर पौधा सही मौसम में, एक पर्टिकुलर मौसम में साल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और अम्ब्रेला पाम एक ऐसा पौधा है जो बारिश आते ही खिलखिला उठता है। जून है हालांकि, लेकिन इस बार कुछ मौसम में अजीब अजीब तब्दीलियां हो रही हैं, तो बारिश आ चुकी है हमारे यहाँ, लगातार हो रही है, तो मौके का फायदा मैं जून में उठा रही हूँ। इस अम्ब्रेला पाम को मैं अभी निकालती हूँ, क्योंकि ये इसकी बढ़त का टाइम है। हर पौधे की अगर बढ़त का टाइम हम समझ जाते हैं, जो कि बहुत छोटा होता है, खास पीरियड में होता है, तो आप उसके साथ बहुत अच्छी तरह खेल सकते हैं। तो आज हम इसको निकाल करके एक अलग मिट्टी, अलग गमला और अलग स्टाइल से उगाएंगे, और इसको घर के अंदर ले जाऊंगी। तो चलिए ये सब काम करते हैं। जो सामान मैं इसके लिए बटोर के लाई हूँ, इसमें देखिए, एक तो ये सादे गमले में नॉर्मल गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिली हुई है। ये थोड़ी मैं क्ले सॉइल भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि इसका भी उपयोग आज हम करने वाले हैं अम्ब्रेला फार्म के लिए, थोड़ी सी क्ले सॉइल। साथ में ये एक मेरी पुरानी साड़ी, इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये फट गई थी, और एक प्लास्टिक का डब्बा। तो इसका क्या यूज है, ये आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। चलिए सबसे पहले हम इसे रीपॉट कर देते हैं, वहां से निकाल के इस क्लेई सॉइल को मिला करके इस मिट्टी में डाल देती हूँ। ये क्लेई सॉइल आपकी टोटल मिट्टी की 50% अगर है, तो काफी, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसे अच्छी तरह मिला के पौधे को इसमें डालते हैं। चलिए ये तो 5 फुट का मैंने अम्ब्रेला पाम निकाल के गमले में लगा दिया। पानी नहीं दिया है अभी तक, क्योंकि उसके पीछे एक राज है। और दोस्तों, कहानी तो अभी बाकी है, आगे क्या होने वाला है देखिए। ये जो डब्बा मैं लेके आई हूँ, और ये मेरी साड़ी। अब ये डब्बा फालतू था, प्लास्टिक का डब्बा किसी काम नहीं आता आजकल, तो इसको हम हटा देते हैं। और इसके ऊपर मैं अपनी साड़ी से इस डब्बे को कवर कर दूंगी कुछ इस तरीके से। और इसको चाहे तो आप फेविकोल से चिपका दीजिए, चाहे तो आप स्ट्रिपल कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। जब तक ये होता है,
इसके ऊपर ये लपेटता है। मैं आपको अपने बगीचे की एक बहुत खूबसूरत चीज आज दिखाती हूँ, जो आज सडनली सुबह चाय पीते वक्त मुझे नजर आई और दिल खुश हो गया, तो आपको भी खुश करना जरूरी है। आइए, ये है बिल्कुल देसी मालवीजिया जिसको मैंने सिर्फ 10 रुपए में खरीदा था और इसको प्रून कर करके मैंने इतना छोटा सा रखा क्योंकि इस हिल पे ही इतना ही खूबसूरत लगता है। और जितनी प्रूनिंग करती गई देखिए क्या पत्तियों में शाइनिंग आई है और कितने खूबसूरत फूल उगे हैं। ऊपर पूरी कैनोपी फूलों से भरी है, पूरा का पूरा तना भी फूलों से भरा हुआ है। और अब चलते हैं वापिस अपने अम्ब्रेला फार्म पर। तो ये हमारा प्लास्टिक का डब्बा तैयार हो चुका है सज धज के, पाम हमारा ऑलरेडी पहुंच चुका है गमले में। अब मैं इसको अपने वर्क प्लेस में लगाती हूँ ताकि काम करते वक्त लगातार ये मुझे दिखता रहे। तो चलिए चलते हैं। मैं अपने अम्ब्रेला पाम को रखना चाहती हूँ इस स्टूल पर क्योंकि सामने वेस्ट फेसिंग विंडो है, वहां से अच्छी खासी धूप आती है दूर तक, और यहाँ पर जब ये बहुत लंबा लगेगा बहुत सुंदर लगेगा। तो सबसे पहले तो ये खाली डब्बा, पानी नहीं भरा है मैंने अभी इसके अंदर, मैंने इसे रखा। इसके अंदर मैं भर रही हूं अब पानी। करीब इतना पानी कि हमारा आधा गमला पानी में डूब जाए, इसीलिए मैंने पहले पानी नहीं दिया था। अब कैपिलरी एक्शन के जरिए नीचे से अपने आप ऊपर पानी मिल जाएगा, आधा गमला पानी में डूबा रहेगा और उसे कॉन्स्टेंटली पानी मिलता रहेगा। अम्ब्रेला पाम को इस सीजन में पानी मिलेगा तो ये और बड़ा होगा। अब इसके अंदर मैं गमला रख देती हूँ। लग रहा है ना सुंदर? अब आपको ये पूरा थोड़ा सा एरिया भी दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा सुंदर सा पीसफुल सा एक इलाका जहां मुझे कभी थकान नहीं होती क्योंकि सामने की बड़ी सी विंडो से मेरा फ्रंट गार्डन दिखता है। थोड़ी सी नजरें घुमाओ तो पीछे ये नजारा नजर आता है और कभी बीच में जेन गार्डन में थोड़े से पैटर्न्स बना लिए तो थकान का तो नामो निशान ही नहीं रहता। और अगर आप भी फ्रेश हो गए हैं तो इस वीडियो को करते जाइए लाइक, कर दीजिए शेयर और अम्लान बाग को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। नमस्कार।